ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो अहम फैसला लिया है। नंबर वन, 72 लाख लोगों को फ्री में राशन देने का 2 महीने का ऐलान किया है। नंबर टू, टैक्सी ऑटो चालक को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रहा है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे पिछले साल जब 2020 में हमारे भारत में लॉकडाउन लगा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था 5,000 रुपया देने का, लेकिन हमें उस टाइम 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में नहीं आया था, मैंने अप्लाई भी किया था, तो क्या हमें इस बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, दरअसल दिल्ली में कोरोना का कहर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच टैक्सी ऑटो चालक को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5,000 रुपये देने का फैसला लिया है। इससे पहले जब 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5,000 रुपये देने का घोषित किया था। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसे चालक थे जिन्हें 5,000 रुपये अकाउंट में नहीं मिला था, नहीं क्रेडिट हुआ था, अप्लाई किया था फिर भी नहीं मिला था। तो क्या इस टाइम यदि अप्लाई करेंगे तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दिल्ली सरकार की तरफ से अपडेट आया है कि बहुत ही जल्द transport.delhi.gov.in पे एक लिंक को अपडेट किया जाएगा और वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फिर से। लेकिन यहां पे अभी तक लिंक को अपडेट नहीं किया गया है, तो ऐसा हो सकता है दिल्ली सरकार के पास पिछले साल की जो डाटा है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हो सकता है उस डाटा के बेस पे ही 5,000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। इसके अलावा transport.delhi.gov.in पे एक वेबसाइट को भी एक लिंक को बहुत ही जल्द अपडेट किया जाएगा। जिन्हें मिला है और जिन्हें नहीं मिला है वो भी वहां से अप्लाई कर सकता है। जिन व्यक्ति को नहीं मिला था, तो यहां पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से उसे नहीं मिल पाया होगा। तो इसको पैसे को लेने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बैंक में आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है। यदि अपडेट होगा यानी कि बैंक में आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होगा, तभी आपको 5,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। नंबर टू, यदि आप ऑटो टैक्सी ई चालक है, ई रिक्शा चालक है, तो आप लोगों के पास प्रीवियस बैच नंबर होना जरूरी है। यदि बैच नंबर नहीं है तो आप लोगों को पैसे नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट भी किया जाएगा, तो उस समय भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकता है, वो वेबसाइट पूरी तरह से वर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि उस सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड हो जाएगा कि वो लिंक ओपन ही नहीं होगा। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को वेट करना है transport.delhi.gov.in पे जब तक लिंक को अपडेट नहीं किया जाता है। जब लिंक को अपडेट किया कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं जिन लोगों को पिछले साल नहीं मिला है, या फिर इसे ऑफलाइन भी कैंप लगाया जा सकता है, तो ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही बैंक में आपको आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और PSB बैच नंबर आपका होना जरूरी है, तभी आप लोगों को आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 5,000 रुपये, अन्यथा नहीं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।